संचारी रोग अभियान के तहत हम लगातार काम कर रहे हैं। मलेरिया को 2030 तक हम पूरे प्रदेश से समाप्त करने के लिए हमने भीड़ा उठाया है और इसके लिए प्रदेश सरकार गंभीरता के साथ काम कर रही है। संचारी रोग अभियान के तहत अभी आपने देखा होगा 2 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सिद्धार्थनगर जनपद से इसको प्रारंभ किया। सिद्धार्थनगर जनपद को इसलिए चुना कि सिद्धार्थनगर में इस प्रकार के रोग सर्वाधिक पाए गए थे। इसके अलावा दूसरे नंबर पर फिरोजाबाद जनपद था। फिरोजाबाद जनपद में मैं स्वयं गया था, वहां संचारी रोगों का जो अभियान था हम लोगों ने प्रारंभ किया। इसके तहत हम जो जेई है, एईएस है, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार, स्क्रब, टाइफस, जो आज बीमारियां होती हैं, उनको नियंत्रित करने में इसके तहत हम क्या करते हैं, संचारी रोग कहीं पानी एकत्र नहीं होने देंगे, कहीं मच्छरों का उसको फॉगिंग कराएंगे, जो नाले साफ कराएंगे, कहीं भी गंदगी नहीं होने देंगे। एक अभियान चलाकर सभी विभाग जो इससे संबंधित है, ग्राम विकास विभाग, हमारे नगर विकास विभाग, जो संबंधित विभाग है, सबको लेकर के हमने एक अभियान चलाया। उस अभियान का प्रारंभ हुआ, अभियान अभी भी चल रहा है। संचारी रोग चूंकि इसी मौसम में पनपते हैं तो हमारी सरकार इसके लिए सतर्क है, हम लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। इस अभियान के तहत 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक घर घर दस्तक देने का अभियान हम लोग चलाएंगे, जिसमें आशा एवं आंगनबाड़ी जो कार्यकर्तियां हैं घर घर जाकर लोगों को संचारी रोगों के बारे में बताएंगी और उनको सचेत करेंगी कि हमारे घरों के आसपास पानी नहीं एकत्र होना चाहिए, हमें पानी खुले में नहीं रखना है, आसपास की जो नालियां हैं उनको सफाई रखनी है। और इसके अलावा जो संबंधित विभाग है उनको भी हमें सचेत करना है, उनसे भी सहयोग लेना है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एबीडीएम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। जन सामान्य द्वारा विभिन्न चिकित्सालयों के माध्यम से प्राप्त की गई चिकित्सा सुविधाओं को एकीकृत डिजिटल रूप में सुनिश्चित करने के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का प्रारंभ किया गया है। इस योजना के लागू होने से नागरिकों को चिकित्सकों से परामर्श के समय अपने समस्त चिकित्सा अभिलेख लेकर चलना नहीं पड़ेगा। आप समझिए एबीडीएम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इसके तहत सामान्य हम लोग करते क्या है कि आप एक डॉक्टर को दिखाए, पर्चा बना लिया खांसी का, फिर पर्चा बनाया आपने दूसरे डॉक्टर के पास तीसरे महीने के पेट दर्द का, फिर अगली बार पता चले आपको पैर में दर्द हुआ या सर में दर्द हुआ, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास समय समय पर हर समय उपलब्ध नहीं रहते। सामान्यतः घर में रख देते हो तो दूसरा पर्चा ढूंढने में दिक्कत आती है। तो हमारी सरकार ने इस योजना को इसलिए लागू किया है कि आपके जो भी मेडिकल डॉक्यूमेंट्स हैं इस पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगे और आप जब चाहोगे तो अपने मोबाइल पर देख सकते हो, या कोई चिकित्सक आपके बारे में हिस्ट्री जानना चाहता है तो एबीडीएम पर जाकर के वो देख सकता है कि आपके शरीर में क्या क्या पूर्व में विकृतियां रही हैं, कहां कहां दिक्कतें रही हैं, कौन कौन सी आपको बीमारी हुई है, उसकी हिस्ट्री उस पोर्टल पर रहेगी, जिससे आपके जन सामान्य के स्वास्थ्य को और बेहतर बनाने में आपको और हमारी सरकार को, हमारे चिकित्सकों को मदद मिलेगी। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा इसके लिए राष्ट्रीय आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की स्थापना की गई। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य द्वारा राज्य स्तरीय आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की स्थापना की जानी है, जो उत्तर प्रदेश में चालू कर दी गई है। अभी अस्थायी रूप से इसको स्थायी रूप से हम करने जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा प्रत्येक नैदानिक संस्थान को हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री आईडी, प्रत्येक चिकित्सक और पैरा मेडिकल प्रोफेशनल को हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री आईडी एवं डिजिटल हेल्थ आईडी आवंटित की जाएगी। यानी जो भी हमारे चिकित्सक हैं या पैरामेडिकल के संबंधित लोग हैं उनको एक हम आईडी डेवलप कर रहे हैं, और जो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य केंद्र ऐप एवं मानव संपदा वेबसाइट के माध्यम से भारत सरकार के वेब पोर्टल के साथ इंटीग्रेशन की तैयारियां प्रारंभ कर दी है। यानी हमारे पास जितने भी चिकित्सा जगत के लोग हैं उनका एक डाटा हमारे पास उपलब्ध रहेगा कि वो कब कहां काम कर रहे हैं, जिससे हमें उनकी सुविधाएं लेने में अच्छा रहेगा। इसके अलावा भारत सरकार की ओर से आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट एबीएचए आईडी प्रदान किए जाना का कार्य भी प्रगति पे है, उसके संबंध में जल्दी आपके समक्ष हम आएंगे। राज्य स्तरीय आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में मानव संसाधन की आपूर्ति एवं प्रचार प्रसार गतिविधियों के लिए भारत सरकार द्वारा 21-22 से 5 वर्षों में 18.49 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। भारत सरकार की ईसीआरपी 2021-22 के अंतर्गत 129 जनपदीय चिकित्सालयों में एवं 350 तहसील स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में HMIS सॉल्यूशन ई आच्छादित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि कोरोना महामारी का जब द्वितीय लहर आई तो ऑक्सीजन के कारण सबसे बड़ी चुनौती हमारे समक्ष खड़ी हुई। हमारी सरकार ने उससे निपटने के लिए बहुत बेहतर इंतजाम किए हैं।
अब ऑक्सीजन की कमी अपने देश में, अपने देश में भी नहीं होगी, प्रदेश इसके लिए पूरी तरह से तैयारी कर चुका है। इसके लिए हमने क्या किया, जब ऑक्सीजन पहुंचाई जिन ट्रकों के माध्यम से, जिन टैंकर्स के माध्यम से पहुंचा रहे थे, हमने उसकी जीपीएस ट्रैकिंग की, जिसके उनका लोकेशन मिल चुके और समय से पहुंच सके। इसके अलावा हमने इसमें रेल मंत्रालय का भी सहयोग लिया, इसके अलावा वायुसेना के विमानों का भी सहयोग लिया और टैंकरों की द्रुत गति से हम लोगों ने सप्लाई की। कृत्रिम श्वसन व्यवस्था राजकीय व स्वशासित निजी मेडिकल कॉलेजों और राजकीय चिकित्सालयों में कुल 6,818 वेंटिलेटर हमारे पास हैं, जिसके माध्यम से यदि कोई गंभीर मरीज है, श्वास लेने में दिक्कत है, खुद श्वास ले ही नहीं ले पाता, उसके लिए हम लोगों ने वेंटिलेटर्स का इंतजाम किया है। आज हमारे पास 6,818 वेंटिलेटर उपलब्ध है। चिकित्सालयों में सेवाओं पर सामान्य रूप से HFNC एवं वेंटिलेटर्स के द्वारा ऑक्सीजन प्रदान किए जाने से विभिन्न चिकित्सालयों में 536 नए ऑक्सीजन जनरेटर्स प्लांट की स्थापना की गई है। 23 में पूर्व में स्थापित ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के साथ साथ प्रदेश में अब कुल 559 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हैं। हमारे पास इस समय 559 ऑक्सीजन प्लांट्स हैं जो चिकित्सीय ऑक्सीजन बनाने का काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 43,261 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हमारे पास हैं। इसके अलावा हमारे पास 10,034 CSR के अंतर्गत हमें मिले हैं जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, उनका भी हम उपयोग ले रहे हैं। और ये ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ हम जो भी हमारे शहरी क्षेत्र के हैं, चाहे CSC है चाहे PSC है, ऑक्सीजन की कमी हम कहीं नहीं होने देंगे। इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।